मुक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज आपका स्वागत है। मुक्स पाठ्यक्रम में आज हम प्राचीन न्याय से आधार इस विषय के अंतर्गत प्रत्यभा विषय पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः प्राचीन न्याय की जो परंपरा है उसमें अक्षपाद गौतम ऋषि जो हैं सूत्रकार हैं, उन सूत्र ग्रंथ के ऊपर भाष्य ग्रंथ इत्यादि लिखे हुए हैं, जिसमें भाष्यकार वात्स्यायन से लेकर उदयनाचार्य पर्यंत प्रायः प्राचीन न्याय के सूत्र परंपरा हमको उपलब्ध होते हैं। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने प्रमेय के अंतर्गत प्रवृत्ति एवं दोष प्रमेय के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम उस पदार्थ के अंतर्गत प्रत्यभा पदार्थ पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः गौतम ऋषि ने प्रथम सूत्र में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानां निश्रेषाधिगम इस प्रकार सूत्र का उपपादन किया है। उक्त सूत्र में प्रमाण से लेकर निग्रहस्थान तक 16 पदार्थों का विवेचन किया है। इन 16 पदार्थों में द्वितीय पदार्थ प्रमेय है, किंतु इस तत्व को जानने के लिए हमें पदार्थ के संदर्भ में कुछ जानना जरूरी है। पदार्थ वह है जो अभिधेय है। उस अभिधेयत्व के संदर्भ में आचार्य ने शास्त्रों में प्रवृत्ति के लिए भाष्यकार ने लिखा है त्रिविधाचार्य शास्त्र से प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षण परीक्षा चेति। उद्देश्य के संदर्भ में उन्होंने 16 पदार्थों का गणना आचार्य सूत्रकार ने किया है। उसके पश्चात जब हमारे सामने आती है कि हम शास्त्र में प्रवृत्ति तो हुए हैं, किंतु वह प्रवृत्ति सफला है या निष्फला है, इसके लिए भी भाष्यकार लिखते हैं जहाँ पर हमारा इप्सा हो, जिस विषय को प्राप्त करने की इच्छा होगी उसमें भी प्रवृत्ति होती है, एवं जिस विषय को परित्याग करने के लिए इच्छा होती है ऐसे निवृत्ति मूलक भी प्रवृत्ति होती है। किंतु इस प्रवृत्ति के लिए हमें विशेषता अर्थ तत्व को जानना जरूरी है। वो अर्थ तत्व जो हैं प्रमाता प्रमिति प्रमेय एवं प्रमाण, इन चार अर्थ तत्वों से ही हमारा अर्थ तत्व की परिसमाप्ति होती है, जिसके लिए भाष्यकार ने लिखा है चतुर्षु अर्थ तत्वेषु एषां प्रमाणानां व्यवस्थिति। इसके पश्चात हमारे सामने आते हैं प्रमाण के संदर्भ में हमने प्रमाकरणम प्रमाणम इस प्रकार लक्षण का विवेचन करते हुए प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्य अर्थवत् प्रमाणम इस प्रकार भाष्य का जो आशय है उसका भी पूर्व ग्रंथ में हमने विवेचित कर चुके हैं। संप्रति हम द्वितीय पदार्थ प्रमेय है, वो प्रमा विषय है। वह प्रमेय भी न्याय सूत्रकार के अनुसार 12 प्रकार के हैं, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख एवं अपवर्ग है। जैसा कि सूत्रकार ने लिखा है आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापरगस्त प्रमेयम। आत्मा के संदर्भ में हमें यह प्राप्त होता है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है। इसीलिए कहना जरूरी है क्योंकि प्रत्यभाव पदार्थ को जानने के लिए पहले आत्म पदार्थ को जानना जरूरी है। आत्म पदार्थ ज्ञान के बिना
प्रत्यय पदार्थ का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम सूत्र में कहेंगे आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि, अर्थात यह आत्मा नित्य है, अविनाशी है, ऐसा ही हमारे आचार्यों का मत है। किंतु वह आत्मा है इसमें भी अनुमान ही प्रमाण दी जाती है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ऐसा ही सूत्रकार ने सूत्र में निर्देश किया है। शरीर जो होता है चेष्टाश्रय जो है शरीर है, कहीं कहीं ऐसा भी किया जाता है भोगायतनम शरीरम, किंतु सूत्रकार के मत में चेष्टेन्द्रियार्थश्रय शरीरम। उसके बाद इंद्रिय में जो है न्याय शास्त्र में छह इंद्रिया की परिगणना की गई है, जिसमें घ्राण रसन चक्षु स्त्वक श्रोत्र, ये जो इंद्रिय हैं ये बाह्य इंद्रिय हैं, एवं मन को अंतर इंद्रिय के रूप में ग्रहण करते हुए छह इंद्रिय की परिकल्पना की गई है। बाह्य जो पांच इंद्रिय हैं वो ज्ञान इंद्रिय हैं, एवं मन जो है अंतर इंद्रिय हैं, और मन इंद्रिय सभी ज्ञान मात्र के प्रति आत्मन संयोग को भी हम कारण मानते हैं। उन इंद्रियों के अर्थ भी छह ही होंगे। यदि बाह्य इंद्रिय पांच को ग्रहण करते हैं तो घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है गंध का, इसलिए घ्राण इंद्रिय का विषय जो है वो गंध है। रसन इंद्रिय का रस, एवं चक्षु इंद्रिय का रूप, त्वग इंद्रिय का स्पर्श, एवं श्रोत्र इंद्रिय का शब्द, ये हमारे पृथ्वी आदि के गुण हैं, यही हमारे पदार्थ से गृहित होते हैं। बुद्धि जो होती है वो उपलब्धि रूप होता है, साक्षात्कार रूप होता है। बुद्धि उपलब्धि साक्षात्कार ये सब अनर्थांतर हैं, मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। और मन के संदर्भ में एक काल में दोनों ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए मन को जो है अनुरूप माना गया है। जैसा कि सूत्रकार ने कहा जुगपज ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, एवं प्रवृत्ति के संदर्भ में यह सूत्र प्राप्त होता है प्रवृत्ति बाघ बुद्धि शरीरारंभ। इसका मतलब यह है कि हम वाचिक प्रवृत्ति भी होती है, कायिक प्रवृत्ति भी होती है, मानसिक प्रवृत्ति भी होती है। यदि हम धर्म से युक्त कार्यों में प्रवृत्त होंगे उसे हमको पुण्य की उत्पत्ति होगी, एवं अधर्म कार्य से यदि प्रवृत्त होंगे तो हमारे वहाँ पर पाप की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए पाप कर्म से हमको निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति होना चाहिए, एवं धर्म कार्य के लिए हमको प्रवृत्त होना चाहिए। एवं बहुत सारे दोष होते हैं, राग द्वेष मोह इत्यादि बहुत सारे दोष होते हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के प्रति गुण को कारण माना जाता है और अयथार्थ ज्ञान के प्रति जो है हमको दोष को ही कारण माना जाता है। दोष से ही हमको राग आदि की उत्पत्ति होती है, अतः राग आदि दोष जो हैं ये मिथ्या ज्ञान के कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद जब हम आते हैं पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव, ये सूत्रकार देते हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि पुनरुत्पत्ति जब प्रत्यभाव कहते हैं इसका मतलब पुनरुत्पत्ति शब्द से हम पुनर्जन्मवाद को ही लेते हैं, वही हमारा प्रत्यभाव है। प्रत्य शब्द का अर्थ है मृत्वा भावः उत्पत्ति, अर्थात शरीर परित्याग के अनंतर पुनः शरीर का जो उत्पत्ति होती है उसी को ही हम प्रत्यभाव कहते हैं। मृत्वा पुनः उत्पत्ति अर्थात पुनर्जन्म, इसी को ही हम प्रत्यभाव शब्द से ग्रहण करते हैं। इसी के संदर्भ में बहुत सारे युक्तियाँ आती हैं कि पुनर्जन्मवाद को स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए। इस संदर्भ में भाष्यकारों ने तत्त्व पक्षों को अवधारण करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। विशेषतः न्यायिकों के मत में पुनर्जन्मवाद है, कर्मफल को भोग करने के लिए हमें पुनः पुनः शरीर को धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है उस कर्म का फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। अतः यह प्रत्यभाव पुनर्जन्मवाद न्यायशास्त्र में स्वीकार किया जाता है।
इसके संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं, उत्पन्नस्य सत्वस्य कचित सत्व निकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्ति सह प्रत्यभाव। इस प्रकार का विवेचन भी भाष्यकार ने किया है। इसके पश्चात यदि हम भाष्यकार के और मतों को स्वीकार करें तो यह भी प्राप्त होता है कि मृत्यु जो है वो आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, अतः आत्मा का मृत्यु संभव नहीं है। मृत्यु जो है वो शरीर होगा, अर्थात जन्म जो होता है आद्य प्राण संयोग है, और मृत्यु जो होता है चरम प्राण त्याग होता है। इसी को ही हम उत्पत्ति एवं नाश के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जन्म हुआ आद्य प्राण संयोग एवं मृत्यु जो हुआ वो हमारा जो है चरम प्राण त्याग है व प्राण संयोग नाश है। इस प्रकार का पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव के संदर्भ में विचार किया गया है। इसलिए भाष्यकार ने साफ लिखते हैं, प्रत्यभाव मृत्वात् पुनर्जन्मः सोयम् जन्म मरण प्रबंधाभ्यासो अनादि ही अपवर्गान्तः प्रत्यभाव वेदितव्यः। तो इस प्रकार भाष्यकार का अपना स्वतंत्र व्याख्यान है। इसके पश्चात बहुत सारे प्रत्यभाव के संदर्भ में परीक्षा प्रकरण में सूत्र कहे गए हैं। इतने ही यहाँ पर उपस्थापन करते हुए आप सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।